आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं वक्त टीवी। हम बिहार शरीफ के जलालपुर मोहल्ला में उपस्थित हैं। देख सकते हैं कि कितना हुजूम यहां पे उमड़ पड़ा है और बीते कई दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण शहर का बसार बीघा मोहल्ला पूरे पानियों से भरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी कुछ महिलाएं, कुछ भाई बंधु उपस्थित हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस लिए भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। ये हमारी मोहल्ले बसार बीघा में पूरा बाढ़ से हम लोग पीड़ित हैं। अभी 24 आवर्स हो गया, 24 घंटा हो गया, कोई समाधान नहीं है, ना ही कोई बात हुई कि यहाँ पे अभी जेसीबी आएगा और उसको तोड़ जाएगा। अभी तक हम लोग इंतजार में बैठे हुए, लेकिन कोई नहीं आया, कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। हम लोग परेशान हो गए, तभी हम लोग ये कदम उठाए कि अब हम लोग रोड पे आ गए। हम लोग ने एक दिन टाइम दिया कि एक दिन में देखते हैं कुछ होता है, लेकिन जब कुछ नहीं हो पाया तो हम लोग ने रोड पे आ गए ताकि कुछ तो सुविधा हम लोग के लिए कुछ निकले रास्ता, ताकि हम लोग इस पानी से बच सके। हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, यहाँ तक कि जितने घरों के घर में बचे हुए घर के गोदाम में गल्ला पानी सब डूब के डूब गया और कुछ भी नहीं खाने पीने का। आप क्या कर रहे हैं? ये बाढ़ तो हर वक्त आना रहेगा, लेकिन कुछ भी सुविधाएं नहीं होती है। ये 2 साल पर बाद बाढ़ आया है, लेकिन 2 साल तक आप लोग ने क्या किया? कुछ नहीं किया। यहाँ पहली हम लोग की मांग है कि पहले आप इसको तोड़वाइए और यहाँ से पानी जाने दीजिए। दूसरी मांग है कि आप लोग हमको राहत कोष सामग्री सब पहुँचाइए, तब जाके कुछ भी समाधान हो सकता है। प्राकृतिक आपदा का तो आना ही रहता है, लेकिन उसका समाधान और सोल्यूशन भी होता है। मैं उनसे अपने सारे मोहल्ले वासियों के लिए यही मांग करना चाहती हूँ कि आप हमारे जितने भी भाई बंधु, उनके लिए कोई महिला कोष सामग्री भेजाए, बस इमिडिएटली भेजाए, अभी के अभी भेजाए, क्योंकि सारे लोग बहुत परेशान है। ये अभी हमारा 24 घंटे समाधान नहीं किया गया, तो आप क्या यही स्थिति रहेगी अभी? इसमें आम पब्लिक को तकलीफ हो रही है, किसी को बाहर जाना है तो उसमें हम क्या कर सकते? वो हमको बोलते हैं रास्ता खोलो, हम बोलते हैं मेरा काम खोल दो, तो हम आपका रास्ता खोल देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समर रियाज हुआ। यहाँ पे पुलिस कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है कि उग्र लोगों को यहाँ से शांत कराया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन अमजद के साथ मैं दानिश नालंदा। धन्यवाद। इसी प्रकार की ताज़ा खबर तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल वक्त टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।